हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सीट यूट्यूब चैनल जी के ट्रिक्स विशादिक में। तो दोस्तों, फाइनली आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए भी एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली जो है रेलवे के द्वारा ग्रुप डी में डीवी ब्लॉक डेट जारी करवा दी गई है। बहुत से छात्र जो है ग्रुप डी के डीवी में एबसेंट हो रहे हैं, तो उन्हीं की कैंडिडेट्स के लिए जो है ब्लॉक डेट यहाँ पर जारी करवा दी गई है। लिस्ट ऑफिशियली जारी कर दी गई है कि आइए हम देख लेते हैं कौन से आरआरसी से जो अब जो है ग्रुप डी की डीवी की ब्लॉक डेट जारी की गई है। इससे पहले जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल के अपडेट्स के लिए। दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अभी हमने आरआरसी सेंट्रल रेलवे आरआरसी सीआर मुंबई की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा। जब नीचे आएंगे तो देखिए ग्रुप डी वाला जो 2019 का सेक्शन है हमारा, यहाँ पर आप देख लीजिए CEN RRC 01/2019 इंडिकेटिव सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर लेवल वन पोस्ट, मतलब कि ग्रुप डी के लिए। देखिए नोटिस फॉर सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू बी हेल्ड ऑन 14/3/2024, मतलब कि जो डीवी में एबसेंट हुए तो उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब कि ब्लॉक डेट रखी गई है। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने जो है नोटिस ओपन कर लिया है। CEN RRC 01/2019 रिक्रूटमेंट फॉर लेवल वन पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। तो जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट्स का जो है द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हु कुड नॉट अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेल्ड ऑन 28/2/2024, मतलब कि 28 फरवरी से लेकर के आपका 1 मार्च के बीच में, मतलब कि आपके 3 दिन यहाँ पर डीवी रखे गए थे उसके बाद आरआरसी वाड़ी बंदर के ऑफिस में। इसके बाद जो है कैंडिडेट्स को जो है जो भी कैंडिडेट डीवी में एबसेंट हुए तो उन सभी के लिए जो है आरआरसी वाड़ी बंदर के ऑफिस में फिर से जो है सप्लीमेंट्री डीवी रखे गए। देखिए आर एडवाइज टू अटेंड सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन 14/2024, तो 14/2024 को जो है कैंडिडेट्स अपना डीवी करवा सकते हैं जो कैंडिडेट जो है 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच में अगर डीवी में एबसेंट रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कैंडिडेट्स अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो है अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं जो भी एबसेंट हुए हैं, और अगर देखने में कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर आप जो है इसको सर्च भी कर सकते हैं। इस तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं। तो टोटल बात करें तो इस तरह से आप नीचे आइएगा तो टोटल 44 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जो है 28 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक जो डीवी 3 दिन चला था उसमें जो है एबसेंट हुए थे। तो टोटल 44 कैंडिडेट जो है डीवी में एबसेंट रहे, तो इनके लिए डीवी के लिए ब्लॉक डेट जारी करवा दी गई है। इसकी जो है डेट ऑफ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 14 मार्च को रखी गई है और इसका रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे रखा गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, नीचे आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। ये आपका जो है आरआरसी वाड़ी बंदर में जो आरआरसी सीआर सेंट्रल रेलवे का जो ऑफिस है उसका जो है आपको हेडक्वार्टर का एड्रेस दे रखा है। उसके बाद जो है कैंडिडेट्स, जिनको भी कैंडिडेट्स को यहाँ पर सप्लीमेंट्री डीवी के लिए बुलाया गया तो उनके लिए जो अलग से कोई भी डॉक्यूमेंटिफिकेशन का जो है कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं डीवी के लिए सप्लीमेंट्री मतलब ब्लॉक डे के डीवी के लिए आपका अलग से कोई एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। जो आपका 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच में जो डीवी का ई कॉल लेटर जारी किया गया था वही आपको लेकर के जाना होगा। अब इसमें बोल दिया गया कि जो 14 फरवरी को आपका जो है डीवी के लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया था वही आपको लेकर के जाना होगा। इसके लिए कोई भी डीवी का नया एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। अगर कैंडिडेट्स 14/2024 को भी डीवी में एबसेंट होता है तो उसका जो है हमेशा के लिए जो है कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके लिए कोई भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा उसकी रिक्वेस्ट को आगे चल करके। और डीवी में कैंडिडेट्स एबसेंट क्यों हुए थे वो जो है अपना जब 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच में जो डीवी हुआ था उसमें एबसेंट क्यों हुए थे तो उसको जो है अपनी फाइल में पुट अप करना होगा। मतलब कि आपको जो है पेंडिंग लिखना होगा कि आप क्यों वहाँ पर पेंडिंग में थे, मतलब कि क्यों आप जो है डीवी में एबसेंट हुए थे, तो आपको वहाँ पर रीज़न भी उसका देना होगा। आपको जो है डीवी मेडिकल के लिए टोटल 2 से 3 दिन आपको जो है स्टे करना पड़ सकता है, इसलिए जो आप अपनी तैयारी से आइए। तो दोस्तों, बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी। ऐसे अपडेट्स आने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक अपने ख्याल रखिएगा। बाय फ्रेंड्स।